गाइस, तो कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक इन माय न्यू वीडियो। तो फाइनली भाई अपना न्यू गेमिंग पीसी आ चुका है। देखो यार, इसके लिए ना मुझे बहुत सारे पापड़ बेलने पड़े तब मेरे को ये वाला पीसी मिला है। तो गाइस मेरे पास ना एक ऑलरेडी गेमिंग पीसी था जो कि भाई मतलब 80K के आसपास का मैंने बनवाया था, ठीक है। और उसमें मतलब गेम चलता था बट मुझे उस लेवल का किलिंग लेवल का परफॉर्मेंस नहीं मिल रहा था, ठीक है। तो फिर मैंने सोचा गाइस कि एकदम नेक्स्ट लेवल का गेमिंग पीसी बिल्ड करवाते हैं, ठीक है, जो कि भाई एकदम खतरनाक चले, ठीक है, एकदम 4K में तगड़े तरीके से अपन लोग गेमिंग कर पाए। और न्यू गेमिंग पीसी बनाने के लिए गाइस फिर मैंने पैसे इकट्ठे करने चालू कर दिए और सब पैसा मिला के गाइस मतलब टोटल गाइस मेरे पास जितना पैसा था सब मिला दिया, मेरा यूट्यूब का सारा इनकम मिला दिया। और मेरे पास इकट्ठा कितना हुआ पता है? ओनली 50,000। 50,000 भी नहीं हुआ था, 47 या फिर 48,000 के आसपास हुआ। फिर मैंने सोचा अब पैसे कहाँ से आएंगे, तो फिर मैंने पैसे मांगने चालू किए गाइस, ठीक है। मेरे जितने भी दोस्त वगैरह थे, दोस्त रिलेटिव्स वगैरह जितने भी थे, मैंने सबसे मांगे बट किसी से गाइस एक रुपया तक नहीं मिला। फिर मेरे दिमाग में आया नहीं यार गेमिंग पीसी तो लेना है, अब कैसे लूँ यार, मेरा कुछ तो दिमाग नहीं काम कर रहा था गाइस। फिर मैंने सोचा मैं क्या करूँ यार, क्या करूँ, कुछ मेरे को समझ में ही नहीं आ रहा था, ठीक है। फिर मेरे दिमाग में एक आइडिया आया कि भाई लोग लिटरली आईफोन लेने के लिए तो किडनी बेच ही देते, तो अपन गाइस एक गेमिंग पीसी बनवाने के लिए क्यों ना अपना एक किडनी बेच दें। उसके बाद मैंने क्या किया गाइस, ये देखो भाई, अपना किडनी ही निकलवा दिया यार। तो जब मैं डॉक्टर के पास गया ना गाइस, उन लोगों ने मेरा किडनी चेक किया और मेरा किडनी बहुत ही ज्यादा मतलब अच्छा कंडीशन में था, ठीक है। मतलब मैं पूरा वेजिटेरियन हूँ गाइस, कुछ खाता पीता नहीं हूँ, तो एकदम पूरा शुद्ध, एकदम पूरा परफेक्ट किडनी था, ठीक है। थोड़ा सा उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं था, जिसके कारण मुझे 1.5 लाख की जगह उन्होंने 2 लाख रुपए दिए गाइस। शॉप पे पहुंचते ही सबसे पहले गाइस अपन लोगों ने अपना ग्राफिक कार्ड खरीदा जो कि है भाई 4070 Ti सुपर, ठीक है। और ये वाला लिटरली ग्राफिक कार्ड गाइस एकदम किलिंग परफॉर्मेंस निकाल के देता है, ठीक है। और ये वाला ग्राफिक कार्ड मेरे को पड़ा गाइस ऑफलाइन 1,05,000 का, ठीक है। ऑनलाइन वैसे 1 लाख के आसपास ही इसका दाम आते जाते रहता है, बट इसका परफॉर्मेंस गाइस लिटरली किलिंग परफॉर्मेंस है। मतलब भाई अपना जो भी पीसी बनने वाला है ना, वो पीसी नहीं गाइस मतलब लिटरली वॉर मशीन बनने वाला है, क्योंकि भाई ये अलग ही लेवल का है भाई। किडनी बेच के पीसी बिल्ड करवा रहे हैं यार, ऐसे हल्का फल्का पीसी थोड़ी ना बिल्ड करवाएंगे। और लिटरली ये वाले का डिस्प्ले परफॉर्मेंस ना एकदम नेक्स्ट लेवल का है, मतलब 4K 240Hz पे ये गाइस चला सकता है, ठीक है। और उसके बाद 8K 60Hz पे, मतलब समझ रहे हो भाई, 8K का मॉनिटर तक मतलब ये सपोर्ट करेगा और वो भी 60Hz तक का परफॉर्मेंस निकाल के देगा ये। तो फिर अपन लोगों ने खरीदा गाइस सीपीयू या फिर प्रोसेसर जो भी बोलो गाइस, जो कि है इंटेल का i9 14th Gen, जो कि इस डब्बे के अंदर है, जिसका मॉडल नंबर है गाइस 14900KS स्पेशल एडिशन, ठीक है। और ये वाला गाइस सीपीयू या फिर प्रोसेसर जो भी बोलो, अभी के टाइम का ना गाइस, अभी के टाइम का सबसे तगड़ा प्रोसेसर है। मतलब अभी के टाइम पे आप कौन से फोन को अच्छा बोलोगे, जैसे मान के चलो iPhone 16 या फिर आप लोग बोलोगे S24 Ultra जो भी है, तो उसी तरह गाइस ये है प्रोसेसर के टाइम पे ना, अभी के टाइम पे सबसे तगड़ा प्रोसेसर ही है ये, इससे तगड़ा प्रोसेसर कोई भी नहीं है अभी के टाइम पे। और लिटरली ये वाला प्रोसेसर मेरे को गाइस 70,000 का पड़ा है, मतलब दाम घटते बढ़ते रहता है, बट एक्चुअली ये स्पेशल एडिशन है और उसने मतलब था नहीं गाइस, दूर से मंगवा के दिया है, तो इसलिए उन्होंने 70,000 लिया। और मेरा ऑफलाइन परचेस करने का गाइस एकमात्र रीजन था कि वारंटी का, भाई अगर ऑनलाइन खरीदूंगा इतना महंगा सामान कुछ भी हो गया तो इसका गारंटी कौन लेगा। बट मैं जिस शॉप से खरीदाऊंगा गाइस, उस शॉप वाले ने 5 साल का गारंटी लिया है, अगर कुछ भी मेरे पीसी में होता है गाइस तो मैं सीधा उस शॉप वाले पे जाके मुंह पे पीसी फेंक के मार दूंगा। और कैबिनेट गाइस अपन लोगों ने लिया है जेब्रोनिक्स का हार्मेस का गाइस, देख सकते हो, जो कि इतना बड़ा है भाई, मतलब लिटरली आप लोग देख सकते हो ये वाला कैबिनेट है, जो कि मेरे को पड़ा है गाइस, ठीक है, ऑफलाइन 10,000 का। वैसे तो इसका प्राइस ऑनलाइन गाइस घटते बढ़ते रहता है, बट ये मेरे को ऑफलाइन पड़ा है 10,000 रुपीज का। उसके बाद आता है गाइस अपना लिक्विड कूलर, जो कि भाई ऑरा का है, GL360V2WH करके ऐसे ही कुछ है, ठीक है। अब देख लो भाई जो भी है, ठीक है, इसका प्राइस आई थिंक मेरे को 6,500 के आसपास का पड़ा था, 6,500 या 7,000 के आसपास का पड़ा था। फिर आता है गाइस अपना SSD, जो कि मेरे को 1 TB का है, ठीक है। और ये वाला मेरे को कितना का पड़ा था यार, 6200, हाँ गाइस 6200 के आसपास का मेरे को ये SSD पड़ा था। और इसमें गाइस अपन लोगों ने 32GB के 2 RAM ऐड किए हैं, ठीक है, 16GB के, जो कि मेरे को 11,000 का आसपास पड़ा है, जो कि 6000mAh का है भाई, पता नहीं यार क्या होता है ये। और ये है मदरबोर्ड गाइस, जो कि Z790UDAX है, GB का, ठीक है। और ये मेरे को आई थिंक 25,000 के आसपास का पड़ा है, ठीक है। इसमें भी 2.5 GBPS का स्पीड है यार। और उसके बाद इन सबको पावर देने के लिए आता है गाइस अपना पावर सप्लाई, जो कि 750 वाट का UD गोल्ड है गाइस, GB का ही। और ये मेरे को पड़ा था 7,700 रुपए का। तो चलो गाइस अब मैं आप लोग को अपना पीसी दिखाता हूँ। और गाइस हम लोग बस पहुंच ही गए, ठीक है, उसके बाद जाके अपना पीसी बिल्ड करवाएंगे गाइस, ठीक है, बहुत ही जल्दी अपन लोग पहुंचने वाले हैं।
तो गाइस देख सकते हो भाई अपना ये प्रोसेसर और ये है ग्राफिक कार्ड, ये लग रहा है देख रहे हो भाई, मतलब 4070 Ti भाई एकदम सबसे तगड़ा वाला है। और ये इसका मदरबोर्ड है, और देखो भाई एक तो ये फैन RGB वाला एक ऑलरेडी लगा हुआ है और इधर भी तीन लगा हुआ है। ये देखो ये है अपना कैबिनेट, अच्छा ही है, उतना बुरा भी नहीं है। अभी के टाइम का सबसे तगड़ा प्रोसेसर गाइस देख सकते हो। और इसका प्राइस देखो एक बार, देखो इधर लिखा है, ये देख रहे हो भाई 86,000 में इसकी पूछ देख लो भाई। ये इसका तीनों फैन है और ये अपना रहा मदरबोर्ड जो कि अभी ओपन हो रहा है। देख लो गाइस बहुत बड़ा सा बिस्किट आया है अभी, इस बिस्किट को खाने से पेट भर जाएगा अपना। ये रहा प्रोसेसर, थोड़ा देखने लीजिए रुकिए। ओ भाई साहब देख लो कितना छोटा है यार, इसका प्राइस देखो इधर कितना लिखा है भाई 86,000। बताओ आई ना, इसमें सोना लगा रहता है क्या, इतना दाम लगता है, गोल्ड लगा है ना दिखाइएगा पट्टी, लगता है गोल्ड है पूरा, इसीलिए इतना दबा के दाम लेता है सबका। और ये रहा भाई अपना 1 TB का SSD, 1 TB का ही है ना, 1 TB का SSD। फोटो खींच के भेज रहे हैं क्या। और भाई ये है अपना फैन, देख सकते हो कितना भारी है यार, वाइट ही है पूरा। ये देखो तीन फैन इधर भी है, उतना ही बड़ा बड़ा सीन। और ये है गाइस अपना रैम, ठीक है, मतलब कितना GB का है पता है, मतलब 16 का डो है, एक में तीन में लगता है ना, 1 3 2 4 अलग अलग चैनल में चार लगाएंगे, बट अभी दो ही रैम लगा रहे गाइस, 32 GB का 16 का दो। और फाइनली गाइस देख सकते हो ये रहा अपना PC, इसमें से देखो गाइस सबसे ऊपर वाईफाई लगाया है, उसके बाद ये लगाया गाइस लिक्विड कूलर, ठीक है, जो कि आप लोग देख ही सकते हो। उसके बाद ये अपना गाइस ग्राफिक्स कार्ड, ठीक है, जो कि भाई मतलब लिटरली 1 लाख के आसपास का आता है। उसके बाद ये है गाइस अपना मतलब इसके अंदर ये है ना लिक्विड कूलर, इसके अंदर ही अपना गाइस जो है प्रोसेसर लगा हुआ है। ये है दो अपना रैम, ये लगाया गाइस हार्ड डिस्क, ठीक है, ये अपना फैन वगैरह, और ये कैबिनेट बाद बाकी देख ही सकते हो आप लोग। ये रहा अपना पूरा PC, और ये खाली अपना CPU था गाइस, ठीक है, बाद बाकी ये मॉनिटर मैंने ऑलरेडी अलग से खरीदा है, ठीक है, और ये भी अलग से मैंने खरीदा है, ये सब अलग से खरीदा है, वो बस CPU था, ठीक है, ये पूरा सब चीज मैंने बाद बाकी अलग से खरीदा है। कमेंट करके जरूर से बताना आप लोग को मेरा गेमिंग PC कैसा लगा गाइस, ठीक है, और अगर अच्छा लगा तो भाई वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को भी ऑल पे सेट कर देना। लिटरली ये वाला वीडियो में बहुत मुझे खर्चा लगा है, ठीक है, बाद बाकी मिलते हैं गाइस अपन लोग अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को लव यू ऑल गाइस, बाय बाय। और हां गाइस अगर आप लोग को मेरे रूम टूर का वीडियो चाहिए तो भाई इस वीडियो पे 1000 लाइक कर दो गाइस, सिर्फ 1000 लाइक, ठीक है, मैं अपने पूरे रूम का गाइस पूरा रूम का टूर लाऊंगा, ठीक है, पूरा सेटअप दिखाऊंगा भाई। लिटरली ये वाला वीडियो बहुत ही ज्यादा महंगा था, ठीक है, तो 1000 लाइक तो बनता है यार।